खबर अजमेर से है, जहां महीनों से वेतन नहीं मिलने के चलते शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जताई। दरअसल अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शिक्षक भीख मांगते हुए नजर आए। इसी दौरान शिक्षकों ने बताया कि उन्हें 8 से 22 महीने तक का वेतन नहीं दिया गया। इस कारण घर खर्च चलाने के चलते वे भीख मांग रहे हैं। सभी शिक्षकों ने व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया और साथ ही कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हमें 16 महीने से वेतन नहीं मिला और मुझे तो 8 महीने वोकेशनल छोड़े हुए भी हो गया, फिर भी मेरा वेतन रोक रखा है। और वोकेशनल छोड़ने का मेरा यही रीजन था कि वेतन प्रॉपर आ ही नहीं रहा था। आज हमें इस कदर मतलब मजबूर कर दिया गया कि हमें हमारे वेतन के लिए भीख तक मांगनी पड़ रही है। सरकार के सामने हमने कई बार हमारी मांगों को रखा, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो आज हमें ये सब करना पड़ रहा है।